वेलकम टू द ग्राफिक्स मेंटर, मैं हूं जितेंद्र और इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं पेन टूल के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन टूल पे कमांड करके किसी भी तरह के शेप्स जो ग्राफिक्स से रिलेटेड है, उन सभी को आप बना सकते हैं और काफ़ी हेल्प करता है नए नए शेप्स को डिज़ाइन करने के लिए। तो सबसे पहले इसके बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो पे मैं वो कम्प्लीट चीज़ आपको बता दूंगा जिससे पेन टूल कैसे यूज़ करना है ये आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेन टूल का जो ऑप्शन है वो आपके पास यहाँ पे मिलता है, आप क्लियरली देख सकते हैं। इस टूल में क्लिक करके अगर आप होल्ड रखते हैं यहाँ पे, तो होल्ड करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और एंकर पॉइंट टूल। ठीक है, ये क्या ऑप्शंस हैं, किस तरीके से काम करता है, तो सबसे पहले हम पेन टूल पर चलते हैं। अब पेन टूल का फंक्शन क्या है कि जब आप पेन टूल को इनेबल करते हो तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि फिल कलर जो है ना, इसको आप ऑफ कर दो और सिर्फ आउटलाइन जो स्ट्रोक्स है इसको ले लो। ठीक है, और आप चाहो तो इसके पॉइंट को बढ़ा सकते हो। अब ये मैंने क्यों फिल कलर ऑफ करा, बिकॉज पेन टूल जब ड्रॉ करते हैं तो फिल कलर अननेसेसरली हम लोगों का मतलब जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट करता है, इसलिए फिल कलर को हमेशा ऑफ कर देंगे। पहले शेप्स बन जाए, फिर अकॉर्डिंगली जो भी कलर है वो हम ले सकते हैं। किसी एक पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे और फिर दूसरे पॉइंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो उसके बीच में ये एक लाइन को ड्रॉ कर देगा। अभी जैसे कुछ रैंडम शेप्स मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी मैं सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ। अभी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है, अगर दोनों को हम मिला दें तो ये कंप्लीट शेप बन गया। और इसके बाद मूव टूल के हेल्प से हम उस पर इजली कलर फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कुछ भी शेप्स जो नए हैं, जैसे स्टार वगैरह, वो सब आप इजली बना सकते हैं, या कोई भी डिफरेंट तरीके का शेप्स है। अगर मैं इसका सिलेक्शन कर लूँ, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को पिक कर लूँ, तो अकॉर्डिंगली जैसा रिक्वायरमेंट है इसमें और भी चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे शेप्स बनेंगे जो पेन टूल की हेल्प से आप आसानी से बना सकते हैं। जो प्रैक्टिस वाला सेशन मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, जो प्ले विथ इलस्ट्रेटर का एक प्लेलिस्ट है, उसको आप जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने कई सारे शेप्स बनाए हैं जिसमें पेन टूल भी मैंने यूज़ करा है, तो आपको ये चीज़ आइडिया आ जाएगा कि पेन टूल कैसे फंक्शन में आएगा। यहाँ पे सिर्फ टूल को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अभी क्या है कि हमने एक रैंडम शेप्स बना लिया। अभी शेप पे देखो, सारे के सारे जो पॉइंट है यानी एज है वो क्या है, हार्ड है। और पेन टूल की एक खासियत होती है कि इससे आप कर्व भी इजिली तैयार कर सकते हो। थोड़ा सा जूम आउट में कर देता हूँ। चलिए अभी फिर से मैं इस पेन टूल को इनेबल करता हूँ। अब एक पॉइंट पे मैं क्लिक करूंगा और दूसरे पॉइंट पे मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो मैं माउस को छोड़ूंगा नहीं, माउस को होल्ड करके ही रखूंगा और थोड़ा सा नीचे की तरफ घसकाऊंगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक छोटा सा लाइन आ जा रहा है जिसमें दो पॉइंट है, एक इधर का तरफ का और एक इधर की तरफ का। अभी देखिए, चूंकि फिल कलर इनेबल है ना, इसकी वजह से ये देखिए ऑटोमेटिक इतने दूर तक के कलर को फिल कर दिया। ये एक प्रॉब्लम आती है, इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, फिल कलर को हमेशा ऑफ कर देते हैं। चलिए मैं उसको दिखा दूंगा। फिलहाल देखिए, अब इस ये जो है ना, ये कंटिन्यू कर रहा है, आप देख सकते हैं कंटिन्यू कर रहा है। अभी हम क्या करेंगे, डबल क्लिक अगर इस नोट पे करें तो एक जो साइड वाला जो नोट था वो हट गया। अब ये क्यों हमें हटाना है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि देखो, कोई भी शेप्स में अगर हम ये नोट को नहीं हटाएंगे, यानी सिंगल हैंड की जगह डबल हैंड रख लेंगे, जैसे कंट्रोल जेड से मैं पीछे आ जाता हूँ, ठीक है, कंट्रोल जेड से, तो डबल अगर रह गया। अब मैं दिखाना चाहूँगा आपको, देखो क्या चेंजेस आते हैं। जैसे मान लो मैंने सिंपली मैंने क्या किया, इस तरह का कुछ एक छोटा सा शेप बना लिया, राइट। अभी मैं इस टूल को पिक करूंगा। अभी सिंगल अगर है ना हमारे पास, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सिंगल अगर है, देखो अगर ये डबल है और ये सिंगल है, दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बता रहा हूँ। देखो सिंगल अगर है तो अकॉर्डिंगली जैसा भी चाहे हम कर्व को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं होगी, है ना। लेकिन अगर डबल अगर है, मान लो ये डबल है, तो अगर मैं एक के तरफ के कर्व को अगर सेट कर रहा हूँ, अगर मैं एक कर्व को सेट कर रहा हूँ, तो ये दूसरे पे भी देखो उसके बगल में चेंजेस ला रहा है, यानी यहाँ पे भी चेंजेस आ जा रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम आती है। वैसे इसका भी अपना फीचर है, कहीं कहीं पे आपको रिक्वायरमेंट रहेगी इस तरह के शेप्स को बनाने के लिए, क्योंकि ये इधर के कर्व को भी ये कंट्रोल कर रहा है और इधर के कर्व को भी ये कंट्रोल कर रहा है। तो जैसा अब कोई सर्कल हम लेके आते हैं, जैसे कोई एलिप्स सर्कल या कुछ भी हम लेके आते हैं, तो इस पर आप गौर करो। देखो यहाँ पे जाने के बाद अगर हम लेते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और हम इस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लेने के बाद, तो हम देख सकते हैं कि इसमें डबल साइडेड है ना, इधर की तरफ भी इधर की तरफ है। तो ये पूरा का पूरा शेप को क्या करता है, कंट्रोल करता है इसके शेप्स को। तो ऐसे बहुत सारे डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे इसकी जरूरत रहती है, बट फिलहाल जो हम लोग ऐसे रैंडम शेप्स बनाते हैं वो पेन टूल में, वो एक साइड वाले से लेते हैं, तो ज़्यादा ईजी होता है कंट्रोल करना। ठीक है, आप जब यूज़ करना लगोगे, जब प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, तो आपको ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पेन टूल यूज़ करके आप इजली कुछ भी शेप्स बना सकते हो, चाहे वो कर्व से रिलेटेड हो, चाहे कोई हार्ड एज का हो, वो इजली बनाया जा सकता है।
अब इसके साथ साथ कुछ और भी हमारे पास ऑप्शन है, जैसे ऐड एंकर पॉइंट टूल। ये बेसिकली क्या करता है, ये किसी भी शेप्स में ना एंकर पॉइंट ऐड कर देता है। जैसे मैं क्लिक करूंगा एजेस पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक नया हमारे पास पॉइंट आ गया और हम लोग इससे भी इस कर्व को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्प करता है आपको कभी रैंडमली कभी ज़रूरत पड़ जाए, जहाँ पे नोट्स आपने कम लिया है और रिक्वायरमेंट अगर आपको हो जाती है, तो उसके एजेस पे जाके सिंपली क्लिक करेंगे और फिर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से देखो यहाँ पे मैं एक नया चेंजेस ला सकता हूँ जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है। इसी के साथ साथ एक और है डिलीट एंकर पॉइंट, जिसमें क्लिक करके हम जो जो शेप्स हमने लाए थे यानी जो बनाया है वो इस नोड पे जो हमने लाया वो हम हटा सकते हैं क्लिक करके। जितने बार हम क्लिक करते जाएंगे वो क्या करेगा, वो जो नोड है ना उसको वो हटाता जाएगा, यानी एंकर जो है उसको हटाता जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है ये मैं बताना चाहूंगा, तो चलिए जल्दी से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ ताकि उसको बेहतर तरीके से मैं समझा सकूँ। तो कई सारे ऐसे शेप्स हैं जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है, जैसे अगर मैं इस शेप को लूँ और माउस को होल्ड करके मैं रखूंगा तो एंकर पॉइंट का ऑप्शन आ जाएगा। अभी हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से अगर हम जब लेंगे तो एक लाइन हमारे पास ये इधर की तरफ भी कंट्रोल कर रहा है और ये इधर के भी तरफ के शेप्स को कंट्रोल कर रहा है। अगर आप याद करो तो लोकेशन का जो आइकन होता है ना, लोकेशन का आइकन जिसमें नीचे जो होता है वो हार्ड एज का होता है, तो अगर वैसे कुछ शेप्स को आपको बनाने की ज़रूरत है ना, तो सिंपली आप इस शेप को ले सकते हो। शॉर्टकट इसका शिफ्ट के साथ सी बटन है और हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इससे होगा ये कि देखो ये जो पॉइंट है ना ये क्या हो गया, हार्ड हो गया दोनों तरीके से। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम इसको खींच के लंबा कर सकते हैं और फिर यहाँ पे एक सर्कल को डाल करके ऐसे शेप्स को बना सकते हैं। तो काफ़ी हेल्प करता है आपको नए नए चीज़ें बनाने के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते चलेंगे तो काफ़ी हेल्प करेगा हमको। पेन टूल का ये जो टूल है ये काफ़ी हेल्प करता है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको टेक्स्ट टूल बताया था, इसके प्रीवियस क्लास मतलब क्लास नंबर 3 पे। क्लास 4 पे मैंने ग्रेडियंट टूल बताया, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाके सारे को आप देख सकते हो। जितने भी टूल्स हैं इन सभी पे मैं फोकस करके मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, जिसको देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी कोई डाउट रहता है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस चीज़ को क्लियर कर दूंगा। और शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से आपके सपोर्ट से। और सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्या करा, अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए ताकि सारे नए वीडियो के अपडेट्स यहाँ पे आपको मिलते जाए। तो पेन टूल मैंने अभी तक आपको बता दिया कि कैसे फंक्शन में आता है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।